डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स होगा आपका काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एन से, और इस आपकी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका बन जाएगा 1। इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट बनता है व्होल नंबर्स। व्होल नंबर इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दीजिए तो आपके व्होल नंबर्स बन जाते हैं। व्होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे W से, और यहाँ पे आपका बनेगा लाइन 0, 1, 2, 3, 4, स्मॉलेस्ट व्होल नंबर हो जाएगा आपका 0। इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर को लिखने के दो मेथड होते हैं। I से तो रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको लिखने का फर्स्ट मेथड होगा निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। सेकंड मेथड होगा निगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस व्होल नंबर्स। अब इसको लिखने का मैथमेटिकल मेथड होगा आपका 0, और ये हो गए आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1, 2, 3, और ये हो गए आपके निगेटिव नेचुरल नंबर -1, -2 एंड -3 ... इसके बाद जो इंटीजर्स हैं हमारे, हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो आपका है फ्रैक्शन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। एवरी फ्रैक्शन इज अ पॉजिटिव नंबर्स। आपके जो फ्रैक्शन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपके मोस्टली पॉजिटिव्स होते हैं। मोस्टली नहीं, सभी पॉजिटिव्स नेचुरल नंबर्स ही होंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, 5/7, 12/17। इस तरह से हमने आपके फ्रैक्शंस को लिख लिया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, वो आता है रेशनल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आया, दोनों को डिनोटेड करते हैं p/q से, लेकिन वहाँ पर आपके p एंड q थे नेचुरल नंबर्स, और रेशनल नंबर में है आपके इंटीजर्स। रेशनल नंबर आपके, नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, और इंटीजर आपके पॉजिटिव और निगेटिव बोथ होते हैं। इस तरह से हमने इन सभी पॉइंटों से कंक्लूजन्स निकाला कि हमारा जो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर्स, एवरी व्होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर्स, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट फ्रैक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, व्होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इन सभी के अपॉन में अगर हम 1 लिख देते हैं तो वह हमारा क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर। अब आपके फ्रैक्शन सारे पॉजिटिव होते हैं, तो वे सभी आपके रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन्हें रेशनल नंबर भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन भी, लेकिन जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उन सभी को हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि आपके रेशनल नंबर निगेटिव में भी होते हैं और फ्रैक्शन हमेशा आपके पॉजिटिव होते हैं। ये डिफरेंस है रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में। देखिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर लिख के शो किए हैं। -2/3, 3/-5, -4/-7, 2/5 etc। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक बनता है, वो बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम अपने रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए। इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका 2/7। आपका 2 नोमिनेटर है और 7 आपका डिनोमिनेटर है। अगर आपका नोमिनेटर लेस है डिनोमिनेटर से, तो अगर आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो वो आएगा 0 और 1 के मिड में, 0 और 1 के मिड में आएगा ये। और निगेटिव नंबर है तो ये आएगा 0 और -1 के मिड में। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर है और ये 0 और 1 के मिड में आएगा, तो हम कितने पार्ट्स करेंगे 0 और 1 के, जितने आपके डिनोमिनेटर्स होते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है आपका, तो हमने 7 पार्ट्स किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पार्ट्स करने के बाद आप देखिए आपके नोमिनेटर कितने हैं, नोमिनेटर हैं 2, तो हम 2 नंबर पर जाएंगे, 1, 2,
तो ये हो जाएगा आपका 2/7। इसके बाद आपने नेगेटिव नंबर लिया, अब ये 0 और माइनस 1 के बीच में पार्ट कितने होंगे, 5, क्योंकि डिनोमिनेटर है आपका 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ वो नंबर होता है जिसके नीचे हम माइनस 1 या 1 लिखते हैं। अब आपका डिनोमिनेटर है 3, तो 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा -3/5। इसके बाद देखिए एक नंबर लेते हैं 2, 3/8। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर आपका 2 है, तो ये नंबर आपका 2 और 3 के मिड में आएगा। अगर यहाँ पे कंप्लीट नंबर 7 हो तो ये नंबर आपका 7/7 और 8 के मिड में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम 2 तक चलेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले 0 लिखा, फिर 1 और 2। अब जो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है ये 2 और 3 के मिड में आएगा। तो हमने पहले पार्ट की 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 3 पर जाकर हमने डिनोट कर दिया 2, 3/8। इस तरह से हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। इसके बाद हमने दो नंबर्स और लिए हैं -5, 7/9। तो सबसे पहले हम 5 तक चलेंगे, तो ये नंबर आपका -5 और -6 के मिड में आएगा। तो सबसे पहले हम -5 तक गए, इसके बाद -5 और -6 के बीच में पार्ट किए हमने 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमने देखा न्यूमरेटर आपका 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन नंबर पर जाकर हमने रिटर्न किया -5, 7/9। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा दिस नंबर को। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, एक पार्ट लिया कि अगर आपका नंबर लिखा हो 36/5, तो इस टाइप के पार्ट को सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पार्ट हमें कंप्लीट लिखने हैं और फिर किन नंबर के बीच में आपका ये पार्ट आएगा। तो आपका ये आया 7/1/5, तो सबसे पहले हम 7 तक रिटर्न करेंगे, फिर 7 और 8 के बीच में आपके 5 पार्ट्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे लिखेंगे हम 7/1/5। इस तरह से हम अपने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।